अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस के साथ आज के व्लॉग करते हैं आगाज़। तो आप सभी को पता है कि सारे जिन्होंने शादी पर जाना है वो तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं जाऊँ और फयाज़ भाई ना जाए तो ये कुछ अजीब सा मामला लगता है। बड़ी मुश्किल से चौधरी साहब को तैयार किया है और कहानी कुछ यूं है कि वो कहता है कि मेरी तैयारी नहीं है, फलां चीज़ मेरे पास नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। तो अभी इसको घसीट के लेके जा रहा हूँ बाज़ार, और जो चीज़ लाने वाली है कम है वो भाई ला के देते हैं और मोहतरम साहब हमारे साथ ही जाएंगे। तो देखते हैं कि बाज़ार में क्या कुछ लेना पड़ता है, ये तो वहाँ पे चल के देखेंगे और फिर बाकी की कहानी भी आपके साथ शेयर करें। चुके हैं तैयार, हाथ मुंह धो लिए हैं और चेंज भी कर लिया है। अब निकलते हैं चलो जी, असी तैयार हो। बाजार के लिए और देखते हैं कि जनाब साहब क्या गुल खिलाते हैं। चेक कर लेने, फोटो भी दिखा दे एक नंबर। शाहजा जड़ी पाई है मिनते चंगी लगती। इदी ना चल जी एक पैर होर ते उल्ला ए दे नाल ते रीस नहीं, ए दे नाल ते रीस नहीं, ए दे नाल ते रीस नहीं। उन्हें भी आ पे मुंडे खुंडे वाली ये वाला शूज़ जो ब्लू वाला था उसका भाई साहब ने मांगा 1300 रुपया और हम अटके हुए हैं 1000 रुपये पे, और देना भी 1000 रुपया ही है। चलो बड़े कमाल गांडिया भाई। हाँ जी। अच्छा जी, ये शूज़ लिए हैं फयाज भाई के लिए, यही पसंद आए थे इनको, और ये स्लीवलेस अपर लिया है, इसमें वो जो टॉप सा होता है वो नहीं है, बस ऐसे ही है। अच्छा जी, जो भी लाना था बाज़ार से वो ले आए हैं और अब चलते हैं घर वापस और बाकी की बातें सब वहाँ जाके। और फयाज भाई बाइक पे ही आए हैं और अभी बाजी के घर हैं। ये सारा सामान भी लेके जाना है। अच्छा जी, घर पहुंच गए हैं। फयाज भाई की एक दो चीज़ें लेके आए हैं और बेगम साहिबा कर रही हैं कपड़े इस्त्री। हाँ हाँ, अच्छा सही, बस ठीक है, जबरदस्त। मेरे भी इस्त्री कर लेने। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਧੋਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਗਿਆ ਜਾਨ ਕੀ ਦੁਖਤੀ ਹੈ ਦਾੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਹਿਦ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ हालत भाई थोड़ी खराब हुई पई दाढ़ दी दर्द जी दर्दा सारिया ही बहुत नाकाबले बर्दाश्त हुई लेकिन दाढ़ दी दर्द जी ना ये ज्यादा ही काम खराब कर दी खाधी पीती भी नहीं जाती चलो अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे मैं सुमेरा आख्या सी भी ये जुत्ती मैनू भी पसंद आ पर भाई ने जरा ना मेरे नाल पहले फयाज वास्ते लेके आया। अच्छा फयाज वास्ते लई है। फयाज वास्ते। अच्छा सही है। सोहना लगा, यही पसंद आया। अच्छा बहुत प्यारा
जबरदस्त। अच्छा जेड़ा मेरा पिछले साल सी लेजर सी, मैं इस तरह कहता सी कि जिप वाली हो आही चीज़ माशाल्लाह बहुत जड़ा ना वह बहुत प्यारा वा। तो फयाज भाई पता नहीं कितने गए ने जुते किन्ने दी है। कलर बहुत प्यारा वा, कलर तो वाकई प्यारा वा। तो आई किन्ने दी है? अच्छा उमार बेटा साइकिल कह रही है, ट्राली चला रहा वा। शहरी बच्चों गांव जाके बहुत अच्छा लगता वा। क्यों उमार बेटा? बेटा थक जाओ कि ना करो। शाम हो गई है, सूरज ग्रुप हो गया वा और बच्चे खेलन मालन दे अदन बेटा ना। जेड़ा साडा कट्टा सी जीबा कर लिया, मिलाद करवा दिता वा भाई अब्बास। पट्ठे हुण सिर ते ढोंदे आ, ये तूड़ी दी पंड लैके आए सुबह वास्ते। चौधरी साहब बुआ खोलन लगे आ और भाई अब्बास कट्टा याद ते हुंदा होना। ए छोटा हले ए वाला उस जगह ते बज गया वा। मोहम्मद मोइज रंबे ना खेल रहा वा। मोइज की करदा वा? नम्मे ना खेलदा वा ते तेनु चोट लग जाएगी। हैं इस जगह ते जेड़ा सी कट्टा जिबा कीता बनिया वा, ए भी खरैद दा कट्टा वा। ते ए भी इंशाल्लाह खरैद करांगे, अबू जी उन्होंने मनिया वा। खरैद करनगे ते फिर जिबा करके बड़ा हो गया ते फिर करना वा, अल्लाह पाक कबूल करे। ओ एक कट्टा वा, वो भी मैन लगता खरीदा ही आते कट्टी आ, अल्लाह पाक कबूल करे। धुंद पैना शुरू हो गई आ। चौधरी साहब हुण गए सी, भाई फयाज का कोई मूड नहीं सी शादी ते जाने का। भाई फयाज नूं असी तैयार किया वा भी साढ़े नाल चलो गपशप करते जावे, गपशप करते आ जाएंगे। अल्लाह पाक खैर का टाइम लैके आए, खैर ही जाइए तो खैर ही आइए। और भाई फयाज न जुत्ती ले एक और ले आ, अपर ले आ वा, स्वेटर। मुर्गियाँ डोगियाँ शाम नू छड़ी दा वा क्योंकि बिल्ली नू मार दे आ, फिर मुर्गियाँ दाना दुनका चुक दियाँ वा, फिर शाम नू ऐथे खुड्डे च वड़ जांदियाँ वा। जानवरां नू चारा डालिया होया वा, भेड़ा खा रही चारा और दरम्यान च नमक भी सारे दिया नमक रखा हुआ वा। नमक रखा हुआ वा भी भेड़ा खा लैन। ये भेड़ा वाकई भाई आवास ने अपने शौक तो रखी हुई वा। सलाम लैंदियाँ जिन्हिया भेड़ा समझदार आदन बेटा। रोसगी कहती खाने पट्ठे नहीं लै।